एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या इन शॉर्ट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सेम है। अ मैन इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पर जा रहा है, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन एंड सेकेंड हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, फाइंड एवरेज स्पीड। अभी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि हाफ डिस्टेंस नहीं, हाफ टाइम, ध्यान आगे बिल्कुल इधर से उधर ना हो जाए, मैं बता रहा हूं गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा कि पूरी जर्नी में अगर टोटल टाइम टी लगता है, फर्स्ट हाफ टाइम क्या होगा? टी बाई टू। सेकेंड हाफ टाइम क्या होगा? टी बाई टू। टी बाई टू कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी वन एंड सेकेंड टी बाई टू कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ वी टू। अगर वो ये बोलता अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो पूरे डिस्टेंस को दो हिस्सों में बांटना है, एक्स बाई टू एंड एक्स बाई टू। फिर टाइम दो हिस्सों में नहीं बटेगा, फिर एक्स बाई टू एक्स बाई टू। अगर वो बोलता है फर्स्ट हाफ टाइम तो टी बाई टू टी बाई टू, अगर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस तो फिर एक्स बाई टू एक्स बाई टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो देखो इसने क्या बोला, फर्स्ट हाफ टाइम टी बाई टू विद द वेलोसिटी ऑफ वी वन एंड वी टू, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला आपको आता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, या एवरेज स्पीड चलो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है पता नहीं, तो निकाल लो v को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, s इज इक्वल टू v इनटू t। तो v1 को t बाय टू से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया s1, और यहां पे v2 को t बाय टू से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया s2। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में t बाय टू प्लस t बाय टू। s1 की जगह क्या पुट करेंगे, v1 इनटू t बाय टू। s2 की जगह क्या पुट करेंगे, v2 इनटू t बाय टू, और टोटल टाइम में t बाय टू प्लस t बाय टू। यहां से t बाय टू कॉमन आ गया, t बाय टू प्लस t बाय टू t है, t से t कैंसिल हो गया, आंसर। कैलकुलेशन तो आपकी अपनी अपनी है। तो ये स्टेप समझ में आया कि कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? तो इसमें बेसिक फॉर्मूला वही है कि आपको t बाय टू गिवन है, वेलोसिटी v1 v2 गिवन है, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस में पुट करके टोटल टाइम टी बाई टू प्लस टी बाई टू करके सॉल्व करके आंसर आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे है कि पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट ध्यान से, एक्स बाई टू एक्स बाई टू, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एक्स बाई टू विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, सेकेंड हाफ डिस्टेंस एक्स बाई टू विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना है, एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू। टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू, पर टाइम तो पता नहीं, निकाल लो। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पे टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम टी वन टी टू आ गया, इस टी वन टी टू को यहां पे पुट कर देते हैं क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू है। तो टी वन की जगह पुट कर देते हैं ये वाला टाइम, x बाई टू अपॉन वी वन, टी टू की जगह x बाई टू बाई वी टू। एक्स बाई टू कॉमन आ गया, मीन्स टू नीचे आ गया, टू नीचे आ गया, x बाई टू नीचे से कॉमन आ गया, यहां पे बचा वन बाई वी वन, वन बाई वी टू, एक्स से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये टर्म बच गई। इसका एलसीएम ले लो वी वन वी टू, तो वी वन प्लस वी टू, रेसिप्रोकल ले लो, दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन मैं आपको आंसर दूंगा करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि किस क्वेश्चन में क्या करना है उस पर ध्यान दो। जो आपको शीट होमवर्क मिलेगी वो इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद लगाने हैं। आप रेफरेंस के लिए शीट रख सकते हो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चंस नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप रेफर करो इसे, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है, आपने नाइन्थ में किया हुआ है मेरे को लगता है ये, ठीक है, नाइन्थ याद आ रही है आपको। नेक्स्ट, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो जब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट प्रॉब्लम है ना, आराम से पढ़ो, तेज नहीं पढ़ो, तेज पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग, और हाँ डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, बिना डायग्राम के मत करो, नहीं तो क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है, वन हाफ का मतलब एक्स बाई टू एंड एक्स बाई टू, तो जर्नी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें,
वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। तो अगर टोटल जर्नी एक्स है, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस एक्स बाई टू है, इस जर्नी की वेलोसिटी कितनी है, 10 है। तो ये डायग्राम क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आगे रिमेनिंग पार्ट, एक्स बाई टू रिमेनिंग पार्ट रह गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ टाइम। तो मतलब अब ये कंफ्यूजन हो गई क्रिएट। पहले कहता था कि टोटल डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस, तो मैंने एक्स बाई टू ले लिया, तो यहां तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो मैंने लिख लिया। जो बचा हुआ हाफ है ना, उसका जितना भी समय लगेगा, मान लो टी टू समय लगेगा, उस टी टू बाई टू हाफ टाइम के लिए उसकी स्पीड 20 है, अदर हाफ टाइम के लिए यानी कि टी टू बाई टू स्पीड के लिए स्पीड कितनी है, 30 है। मतलब यहां से यहां जर्नी मान लो टी वन टाइम में ली कवर करती है, क्योंकि टाइम तो हमें पता नहीं, तो यहां से यहां टाइम टी वन है, तो बाकी पूरी जर्नी टी टू टाइम है। टी टू को दो हिस्सों में बांट लिया, टी टू बाई टू एंड टी टू बाई टू, तो टी टू बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20, नेक्स्ट टी टू बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब स्टेटमेंट पढ़ के देख लो, सेम है। बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। वन हाफ डिस्टेंस का मतलब एक्स बाई टू विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, यहां तक क्लियर है। अदर हाफ, अदर हाफ या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी कि एक्स बाई टू वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। मतलब जितना भी समय लगा सेकेंड हाफ का टी टू, फर्स्ट हाफ टाइम कितना लगा इसका, टी टू बाई टू, अदर हाफ टाइम क्या हुआ, टी टू बाई टू। फर्स्ट हाफ टाइम का स्पीड 20 है, अदर हाफ टाइम की स्पीड 30 है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ एक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो कितनी है, एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, और टोटल टाइम कितना है, आधी जर्नी का टी वन आधी जर्नी का टी टू, तो टी वन प्लस टी टू। ये स्टेप क्लियर है। अब टी वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है, यहां से टी वन आ जाएगा कैसे, फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू, वेलोसिटी कितनी है 10, तो टी वन क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टी वन आ गया। टी टू निकाल लें, टी टू निकालने का तरीका देखो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि टी टू दो हिस्सों में है, टी टू बाई टू, टी टू बाई टू, और वेलोसिटी भी डिफरेंट है। बस मुझे ये बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू, टोटल डिस्टेंस एक्स बाई टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है 20 इंटू टी टू बाई टू, और ये डिस्टेंस कितना है 30 इंटू टी टू बाई टू। क्या स्टेप क्लियर है? मतलब ये जो डिस्टेंस है 20 इंटू टी बाई टू, ये डिस्टेंस है 30 इंटू टी टू बाई टू, इन दोनों का टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, एक्स बाई टू। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? टू 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 कैंसल, टी टू कॉमन आ गया इसमें से, 20 और 30 50, टी टू की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन 50। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, टी वन, यहां से मैंने स्टेटमेंट से क्या निकाल लिया, टी टू। कोई डाउट इसमें, पुट कर दो, ये लो, हो गया आंसर। तो टी वन की जगह टी वन, टी टू की जगह टी टू, टू नीचे गया, टू इंटू टेन क्या है 20, यहां से एक्स कॉमन आ गया, तो 1/20 प्लस 1/50, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बच गई। इसका एलसीएम ले लो 20 इंटू 50, तो आएगा 50 प्लस 20, और रेसिप्रोक कर लो, आंसर आ गया। कोई शॉर्टकट नहीं मेरे पास इसका, बस यही टेक्निक है, क्वेश्चन पढ़ के ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बेस पे दो अनसॉल्व प्रॉब्लम दूंगा होमवर्क, आप घर जाके पहले इसको रिवाइज करेंगे। आप सीधा ट्राई कर सकते हैं तो करें, क्या प्रॉब्लम है, अगर फंस गए तो ये क्वेश्चन रिवाइज करें, मैंने कैसे किया, मिलता जुलता क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे टेक्निक है? तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन की टाइप कर मैं आपको ना टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता जा रहा हूं कि अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो ये रेफर करना है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे देखना है, और अगर समझ में आ रहा है और सीधा कर सकते हैं तो ठीक है, सीधा कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, पर एक बार रिवाइज हमेशा करना चाहिए। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलस में किया हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय
डेल्टा टी ये हमें आता है, और डायग्राम मैंने कैलकुलस में ड्रॉ करके दिया था कि एक गाड़ी यहाँ से यहाँ चली गई, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स वन है, फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स टू है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन कवर्ड इन टाइम टी टू माइनस टी वन। ये कैलकुलस का पहला लेक्चर था, तो हमने ये कर लिया। और अगर मैं कहूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डी एक्स बाई डी टी। एवरेज वेलोसिटीज में आपको कैलकुलस की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस की ज़रूरत है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वी टू माइनस वी वन बाय टी टू माइनस टी वन, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डी वी बाय डी टी। क्या स्टेप क्लियर है? इनके ऊपर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए कैलकुलस में, तो टेस्ट भी दे दिया आपने, तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आ गई। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस का मतलब कैलकुलस यूज करना है, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, 18 कॉन्स्टेंट आ गया, डी टी बाई डी टी 5 कॉन्स्टेंट आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी टी बाई डी टी 1 है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 2t है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलस इतना क्यों करवाया, ताकि मेरे को कैलकुलस के स्टेप्स यहाँ पे आपको ना समझाने पड़े, ताकि मैं फिजिक्स के ऊपर फोकस करूँ अब, कि इंस्टेंटेनियस है तो कैलकुलस यूज करो। तो आपके पास ये वेलोसिटी आ गई, आपको वेलोसिटी कितने टाइम पे निकालनी है, 2 सेकेंड, तो एंड में टाइम में यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2, तो आंसर आ गया। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सुनते ही पता लगता है आपको कैलकुलस यूज नहीं करना, और कितने टाइम में, 2 और 3 सेकेंड के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लिख लें। एक्स का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है, टाइम की वैल्यू टी वन पहले 2 सेकेंड लिखें, टाइम की वैल्यू टी टू यानी कि 3 सेकेंड लिखें, यहां पे टी की जगह पुट करें 2 सेकेंड तो एक्स वन आएगा, टाइम की जगह पुट करें 3 सेकेंड 3 एंड 3 तो एक्स टू आएगा। अब आपको एक्स टू पता लग गया, एक्स वन पता लग गया, टी टू पता लग गया, टी वन पता लग गया, एक्स टू एक्स वन टी टू टी वन कौन सी वेलोसिटी आएगी, एवरेज। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर कुछ भी मेंशन ना हो और वो ये लिख दे फाइंड एक्सेलरेशन, तो बाय डिफॉल्ट इट मींस इंस्टेंटेनियस ओनली। तो क्योंकि आप एक्स का फॉर्मूला आपको गिवन है, आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। ठीक, कैलकुलस में किया था हमने ये, तो एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलेशन की वैल्यू 10 है और हमेशा 10 रहेगी, तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेशन का केस है। वो अगर ये पूछ भी लेता टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड पे एक्सेलेशन क्या है, एक्सेलेशन टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो आंसर हमेशा हर वक्त क्या रहेगा, 10 10 10 एंड 10। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अगर डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल गिवन है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बतानी है, पोजिशन। पोजीशन को बताओ इस क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्स, एक्स होती है पोजीशन, ना वी होती है ना ए होता है, तो एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपको, यानी कि क्या निकालना है, एक्स कब, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0, तो क्या मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं, हाँ या ना, क्यों डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगी, मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट करूं क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, तो क्या उसने वेलोसिटी पूछी, तो फिर क्यों करूं, हमसे क्या पूछा, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, एक्स, हमसे एक्स पूछ रहे और एक्स का फॉर्मूला दे तो दिया, तो सीधा टाइम को उठा के क्या पुट कर दो, 0, इस एक्स के फॉर्मूले में टी को 0 पुट कर दो, तो जब तुम एक्स टी की जगह 0 पुट करोगे तो अपने आप एक्स की वैल्यू आएगी 25, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मैं क्वेश्चन ही ऐसे ढूंढ के लाया हूं कि कभी डिफ्रेंशिएट करना है कभी नहीं करना, आप दिमाग लगा सकें किसमें करना है किसमें नहीं करना। उसने पोजीशन पूछी, पोजीशन का फॉर्मूला दे दिया, टाइम की वैल्यू दे दी, मैंने टाइम पुट कर लिया, एक्स आ गया, वो मेरी पोजीशन है। क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब वो क्या कह रहा है, फाइंड वेलोसिटी। उसने बोला एवरेज, नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी है,
इंस्टेंटेनियस. कब? जब टाइम क्या है? जीरो. एक्स का फॉर्मूला पता है, डिफ्रेंशिएट करें कि ना करें? करें, क्योंकि कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस. तो इंस्टेंटेनियस पे डिफ्रेंशिएट करना है. तो एक्स हमें पता है, वी क्या है? डी एक्स बाई डी टी. स्टेप समझ में आ रहा है? तो एक्स की वैल्यू पुट करें, इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये टर्म आएगी, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, टी स्क्वायर की टू टी, 15 का 15, डी टी बाई डी टी वन है. तो ये फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. उसने वेलोसिटी कब पूछी? जब टाइम क्या है? जीरो. तो एंड में टी की जगह क्या पुट कर दें? जीरो. आंसर, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी माइनस 15 क्या शो कर रही है? गाड़ी कहां जा रही है? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. प्लस 15 मतलब इधर, माइनस 15 मतलब इधर, इधर जा रही है. समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसी का पार्ट है. When will be velocity zero? When मतलब समय, तो क्या निकालना है? टाइम. टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो है. कौन सी वेलोसिटी जीरो है? कुछ मेंशन नहीं किया तो कौन सी? इंस्टेंटेनियस. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं. कितना? 80 माइनस 15. इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में वी को जीरो पुट कर दें, जीरो. टाइम निकाल लें, इतने टाइम पे वेलोसिटी क्या है? जीरो. तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है. इसमें फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम जीरो. कौन सी एक्सेलरेशन? कुछ मेंशन तो है ही नहीं. इंस्टेंटेनियस. अब इसके लिए आप सबसे पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्या निकालेंगे? वी. फिर वी को डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा? ए. तो वी को डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म. कॉन्स्टेंट की जीरो है, डी टी बाई डी टी वन, तो एक्सलेशन 8 है विच इज कॉन्स्टेंट. तो कितने भी टाइम पे पूछ ले, एक्सलेशन हमेशा क्या आएगी? 8 ही आएगी. मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें. जैसे वेलोसिटी का ये फॉर्मूला दे दिया. अब ये वेलोसिटी कौन सी है? एवरेज है या कौन सी है? इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंडेंट है. तो इसने एक्स से वी नहीं निकाला, सीधा वी दे दिया. क्या निकालना है? फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. तो कैलकुलस लगेगा कि नहीं लगेगा? कितने लोग कहते लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा. अगर कैलकुलस लगा दिया और वी को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन. उसने फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछी है. तो वी का फॉर्मूला तो है हमारे पास. कितने समय में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है? 2 और 4 सेकेंड में. तुम टाइम को पहले इसमें 2 पुट करो, V1 आ जाएगा. तुम टाइम को यहां पे 4 पुट करो, V2 आ जाएगा. तो V1 V2 आ गया. आपको क्या निकालनी है? चेंज इन वेलोसिटी. तो V2 में से V1 को माइनस कर दो, आंसर आ गया. कोई डाउट इसमें? चेंज इन वेलोसिटी आ गई, कुछ करना ही नहीं इसमें. लेकिन अगर वो कहे ऊपर वाले केस में एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, तो एवरेज एक्सेलरेशन में कैलकुलस यूज नहीं होगा, क्योंकि एवरेज में कैलकुलस यूज होता ही नहीं. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1. अब आपको इस क्वेश्चन में V2 माइनस V1 तो इस पार्ट से पता ही है ऊपर, और T2 माइनस T1 भी आपको पता है, 4 माइनस 2, डिनोमिनेटर में पुट करके एक्सेलरेशन. तो आइडिया समझ में आ रहा है, जो हमने कैलकुलस किया वो कैसे फिट हो गया इस चैप्टर में समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैलकुलस इंपॉर्टेंट है. अब मैं बोलता था ना, कुछ नहीं आएगा, एक नंबर का कैलकुलस नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा, ये तो देगा ही वो. तो अगर कैलकुलस नहीं आएगा तो ये अपने आप उड़ जाएगा. तो समझ में आ रहा है? देख पा रहे हो किसमें क्या निकालना है? और अगर नहीं देख पा रहे या देख पा रहे हो, वो कैसे पता लगेगा? मैं आपको एक शीट दूंगा आज, अगर तो आप कर पा रहे हैं सारी, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप कर पा रहे हैं बस फिर यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, यानी कि कैलकुलस लगाना आ रहा है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा क्लियर है. अगर आपके आंसर नहीं आ रहे तो प्लीज़ सोचें और मेरे से क्लास के आगे पीछे आके पूछें, सर मुझे ये नहीं समझ में आता इसमें कैलकुलस क्यों लगा, इसमें क्यों नहीं लगा, मैं आंसर दूंगा. क्योंकि आज तो मैं आंसर दे दूंगा, 6 महीने बाद पूछेंगे ना, फिर मैं कहूँगा यार इतनी जगह यूज हो चुका, 6 महीने से यूज हो रहा है, अब क्या पूछ रहा है, अब तो पूरी गेम ही हाथ से निकल गई. तो पता होना चाहिए कब लगाना है कब नहीं लगाना, अपने आप को टेस्ट करो न्यूमेरिकल्स के अंदर. ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखो क्योंकि वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, वी का फॉर्मूला है, वी के फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के साथ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, टू बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट की जीरो है, टी स्क्वायर की 2t है, आंसर 4t। कर लोगे तो यहां पे एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, 4t आंसर आ गया। यही तो पूछ रहा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, मैंने निकाल दी। फिर वो ये पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बताओ जब टाइम 1 सेकेंड है। अब एक्सेलेरेशन कितनी निकाल चुके, 4t, अब टाइम की जगह क्या पुट कर दें, 1 आंसर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इसका आंसर क्या है, बस पहले ये बता दें कैलकुलस यूज करना है कि नहीं करना। क्यों? क्योंकि एवरेज है, तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि एक्स टू एक्स वन टी टू टी वन। इस क्वेश्चन में टी वन की वैल्यू तो पता है 1 सेकेंड है, टी टू की वैल्यू पता है 2 सेकेंड है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, यहां पे वैल्यू पुट कर लें, तो टाइम को ऊपर पुट करें 1, 7 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 + 1 कितना आ रहा है, 16, 16। ऐसी x2 2 पुट करें, 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 + 1 कितना आ रहा है, 45। x2 x1 आ गया, यहां पे पुट कर लें, x2 की जगह 45, x1 की जगह 16, t2 की जगह 2, t1 की जगह 1 कितना आ रहा है, 29 m/s इज द आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक, ठीक है यहाँ पर कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी, 36, 36। तो इसमें एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाय dt, तो d बाय dt ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 7t² + 8t + 1, तो d बाय dt ऑफ 7 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर 8 बाहर आ जाएगा, dt बाय dt और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये तो हट जाएगा 0। तो कितना आएगा, v का फॉर्मूला 7 × 2t + 8 कितना, 14t + 8। गेम ऑफ सिर्फ कैलकुलस है, मैं फिर कह रहा हूं, तो ये सारा करना है आपने कवर जितना भी है, ताकि आपका हाथ फटाफट चले, बाकी उनको क्लियर है। ठीक है, वो टेस्टिंग समझाई क्यों जरूरी थी, 2 बार यहाँ पे स्पीड बनती है ना, स्पीड ब्रेक होती है, समझ में आ रहा है, मतलब उसमें से कुछ भी नहीं आना, कई लोग डिसअपॉइंट भी हुए, नंबर कम आ गए, 37 आ गए, क्या हम रीटेस्ट दें, नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं आएगा, आपकी स्पीड बननी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, उसका काम सिर्फ स्पीड बनाने का था। ठीक है, तो अब टाइम की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दें, 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 14 × 2 + 8 कितना, 36 m/s। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी निकालनी है, मैंने वेलोसिटी अभी क्या निकाली थी बताएंगे, 14t + 8, ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होगी, dv बाय dt, यानी कि d बाय dt ऑफ 14t + 8, इसे डिफ्रेंशिएट करें
तो कितना आ रहा है, 14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कांस्टेंट है, फर्क ही नहीं पड़ता, टाइम से इंडिपेंडेंट है हर वक्त, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 14। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलेरेशन, कैलकुलस यूज में करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 14t प्लस 8 है, तो इस पार्ट में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का यूज करेंगे, v की वैल्यू 14t प्लस 8 है, तो सिंपली क्या करेंगे, टाइम को पहले, क्योंकि हमने एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा v बाय डेल्टा t है, यानी कि v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 है, ऐसे ही है। तो इसमें कैलकुलस ना यूज करते हुए वेलोसिटी में पुट करते हैं t की वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है, 22, और t2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, तो v2 कितना आ रहा है, कितना, 36, तो पुट कर देते हैं 36, 22, 2 माइनस 1, तो जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। हाँ ये कर सकते हैं, वो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो ऐसा कर सकते हैं, इस ऊपर से क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आई थी, हमने बात की थी, तो एवरेज को निकाल रहे हैं, वो कह रहा है एवरेज भी तो सेम ही आएगी, 8 ही आएगी, अगर वो 8 है ये भी 8 है, कर क्यों रहे हैं, सही है, इसका दिमाग काम कर गया तो मत करो, मान लेता हूँ इसकी बात, सही है, ऑब्जेक्टिव में तो अच्छी है, सही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक।